हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। इसी के साथ मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल नविश किचन हिंदी में। आओ बनाएं, सबको खिलाएं, खाने की यादों का कारवां बनाएं। दोस्तों, सर्दियों का हम सभी को इंतजार रहता है, क्योंकि हमें गर्मा गर्म गाजर का हलवा जो खाने को मिलता है, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे गाजर का हलवा ना पसंद हो, चाहे बच्चा हो या बड़ा। सर्दियों में जब भी डेजर्ट यानी मीठे की बात आती है तो गाजर का हलवा सभी की फरमाइश होती है। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गाजर के हलवे की एक ऐसी रेसिपी जिसमें ना तो खोए की जरूरत और ना ही कंडेंस्ड मिल्क की। बस एक चीज जो सभी के घर में आसानी से मिल जाएगी और झटपट तैयार होगा प्रेशर कुकर में ही। चलिए सर्दियों की फेवरेट डेजर्ट बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 2 किलो गाजर लिए हैं, जिन्हें मैंने छीलकर दोनों एंड्स ऊपर और नीचे से काटकर अच्छे से धो लिया है। अब इन्हें ग्रेट करने के लिए मैं इन्हें मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करूँगा। आप चाहें तो ये मीडियम वाले ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास टाइम कम है या फिर मेहनत करने का मन नहीं है तो गाजर को इस तरीके से कट करके मिक्सी में ग्राइंड कर लें। यहाँ मैं आपको चॉपर का यूज़ करके दिखा रहा हूँ। कट करी हुई गाजर को चॉपर में डालकर इस तरह से बिल्कुल फाइन चॉप कर लेंगे। दोस्तों, देखिए कितनी आसानी से और जल्दी गाजर चॉप हो गई है। पर दोस्तों, मैं आपको गाजर ग्रेट करने की ही सलाह दूंगा, क्योंकि उससे जो हलवे का टेस्ट और टेक्सचर है वो अच्छा आता है। यहाँ मैंने आधी गाजर चॉप और आधी ग्रेट कर ली है। चलिए अब आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ कुकर में ही ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर रहा हूँ। अब कुकर को गर्म कर लें और 1 टेबलस्पून घी डालकर ड्राई फ्रूट्स डालकर इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लें। भुने हुए काजू बादाम बहुत अच्छा फ्लेवर लाते हैं हलवे में। यहाँ गैस की फ्लेम लो पर रखें और इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लें। देखते ही देखते दोस्तों, देखो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो गए हैं। अब इन्हें बाहर निकाल लेंगे। अब इन्हें निकाल कर अलग रख देंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 4 चम्मच घी और अपनी ग्रेट और चॉप करी हुई गाजरें डालकर इन्हें अच्छे से इसमें भून लेंगे। दोस्तों, इन्हें मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। और अब मैं दोबारा इसमें डाल रहा हूँ 4 टेबलस्पून घी। दोबारा घी डालकर इसे 4 से 5 मिनट के लिए फिर से भून लेंगे। आप देख सकते हैं गाजर अच्छे से भुन गई हैं। अब मैं यहाँ पे 2 कप फुल क्रीम दूध डाल रहा हूँ, ये लगभग 1/2 किलो है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं डाल रहा हूँ 1 कप दूध की मलाई, जो हम लोग घर में अक्सर इकट्ठा कर लेते हैं घी निकालने के लिए, तो वो 1 कप के आसपास मलाई डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। और इसको भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, ये दूध की मलाई बिल्कुल खोए का काम करेगी और टेस्ट के साथ साथ गाजर के हलवे को बहुत ही अच्छा कलर भी देगी। दोस्तों, अब कुकर को बंद कर दें और हाई फ्लेम पर 2 सीटी आने तक इसको पकाएं। जब तक हमारे कुकर में 2 सीटी आती हैं, तब तक हम अपने रोस्ट करे हुए काजू बादाम को अच्छे से कूट लेंगे। जैसे ही 2 सीटी लग जाएं, प्रेशर कुकर को ठंडा हो जाने दें और फिर इसे खोल लें। अब आप देख सकते हैं गाजर दूध के साथ सॉफ्ट हो गई है। अब हम गैस को ऑन कर लेंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर या हाई फ्लेम पर दूध को थोड़ा ड्राई कर लेंगे। दोस्तों, इसे बीच बीच में चलाते रहें।
यहाँ आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट में सारा दूध ड्राई हो चुका है और गाजर के हलवे का बहुत ही अच्छा सा कलर निकल के आया है। साथ ही में इसकी क्वांटिटी भी 1/3 हो गई है। अब इसमें 1 कप चीनी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दोस्तों, चीनी डालते ही इसमें से पानी रिलीज हो रहा है, तो अब इसे भी हाई फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक ड्राई कर लेंगे। यहाँ पानी ड्राई हो गया है और हलवे का कलर, कंसिस्टेंसी और टेक्सचर भी एकदम परफेक्ट निकल कर आया है। अब करेंगे गैस की फ्लेम को ऑफ। यहाँ मैं डाल रहा हूँ 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर और साथ ही मैं डाल रहा हूँ कूटे हुए रोस्टेड काजू बादाम, और अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा परफेक्ट गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनकर तैयार है। तो दोस्तों, अगर आपको घंटों की मेहनत से बचना है तो इस तरह से गाजर का हलवा बनाएं और सर्दियों में गर्मा गर्म गाजर के हलवे का लुत्फ़ उठाएं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव देना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।